वेलकम बैक गाइस, वापस के लिए लेकर आ चुका हूँ चाइल्ड एंड स्वीट वाइफ का एपिसोड 3 लेके। और मैं पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर ने कुछ लिखा उसमें और हमें वो दिखाया नहीं जाता, और वो इशारा करके अपने झाउसी को अपनी तरफ बुलाता है और उस पर्ची को वो टेबल पर रख देता है, और उसके बाद वो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और उसके तीनों बड़े भाई आते हैं और वो पर्ची को देखते हैं, कहते हैं इसने क्या लिखा है इसमें, और वो पर्ची को पलटते हैं और उसके देखते हैं और वो चौंक जाते हैं। तो गाइस हम आगे देखने वाले कि वो चौकी क्यों थे, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत हम देखते हैं जब उन तीनों भाई ने पर्ची को पलटी थी तो उनने देखा कि उस पर लिखा था मैरी, मतलब कि हमारा मेन कैरेक्टर शादी के लिए तैयार है। और तभी देखते हैं हम दूसरी तरफ हमारी म्यूत्यान को छींक आ रही होती है और वो छींकते छींकते अपने मन में कह रही होती है लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। तभी वो एक लंबी छींक लेती है, तभी उसके बगल में बैठी उसकी मॉम बोलती है तुम थोड़ा देर लेट जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कहती है हम ठीक है। और हम तभी देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पीछे डैड आते हैं कमरे का दरवाजा खोल के और कहते हैं लो तुम ये अदरक का काढ़ा पियो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट में उसके रिप्लाई में कहती है नहीं ये बहुत तीखा है, मुझे वेस्टर्न मेडिसिन चाहिए, मतलब कि मुझे कैप्सूल्स चाहिए ना कि कोई आयुर्वेदिक दवा। कहते हैं हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की मॉम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के मतलब म्यू के डैड पे चिल्लाने लगती है और कहती है ये सारी सारी आपकी ही गलती होगी, आपने हमारी बेटी को एक्सप्रेस वे पे लिंग लेके कार के पीछे दौड़ने के लिए कहा होगा है ना। मेन प्रोटैगनिस्ट म्यू की मॉम आगे बोलती है ये कितना खतरनाक हो सकता था, अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये हमारी बेटी के लिए बहुत ही खतरे वाला काम था। तभी हमारे म्यू के डैड बोलते हैं मेरी गलती, ये सारी मेरी गलती नहीं है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि तेज बारिश होगी। और गाइस हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट मुंह फुलाकर बेड पर बैठी होती है और गाइस ऐसा ही होता है अगर आप बीमार हो जाओ तो आपकी मम आपके डैड पे चिल्लाएगी कि सारी सारी आपकी गलती है, और ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट अपने कह रही होती है मुझे नहीं पता है कि लिंगले मुझ पर शक करेगा या नहीं, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि उससे निपटना बहुत मुश्किल है, और तो और ऐसा उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वह गूंगा नहीं है। और गाइस हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट आगे बोलती है मैंने उसकी बहुत डिसरिस्पेक्ट की, मतलब कि गाइस मैंने उसकी बहुत ही बेइज्जती की। और गाइस हम सब ने ये सुना भी है और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के मॉम एंड डैड चौंक जाते हैं, कहते हैं बेइज्जती की तुमने उसकी। और तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के डैड से याद दिलाते हैं क्विंचिंग लेक में आपने 6 महीने पहले एक अपाहिज व्यक्ति को बचाया था, क्या तुम्हें ये अभी भी याद है। दूसरी तरफ डैड की बात सुनकर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट शांत होती है और तुरंत बोलती है नहीं मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने जिसे बचाया वो लिंगले ही था। ये पता चलने पर वो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही हैरान होती है। और गाइस तभी सीन सिर्फ पता हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का मतलब कि मेन कैरेक्टर का सबसे बड़ा भाई मतलब फर्स्ट ब्रदर कहता है उसने कहा कि वो शादी के लिए तैयार है, ये मजाक है क्या, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है। अभी हम देखते हैं सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर के कान में कुछ कहता है। सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर के कान में कहता है क्विंचिंग में हमने उसे पानी में ढकेल कर ये तो साबित कर लिया था कि वो सच में अपाहिज है। तो गाइस मतलब एपिसोड 1 में जो हमारे मेन कैरेक्टर को लेक में गिरा गया था वो इंदो की बदौलत था, मतलब इंदो की मेहरबानी थी कि इसने हमारे मेन कैरेक्टर को लेक में गिरवाया था। और मतलब कि हमें पता चलता है कि हमारे फर्स्ट ब्रदर और सेकंड ब्रदर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को पसंद नहीं करते और वो उसे मारना चाहते हैं। तो गाइस वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं फर्स्ट चन बहुत ही चिल्लाकर कहता है तेजी से मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की उससे शादी करने को कैसे तैयार है। अभी सेकंड सन फर्स्ट सन से कहता है अपनी आवाज नीचे रखो, अगर पिताजी को पता चला तो हमारे साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता। दूसरी तरफ देखते हैं हमारे मॉम एंड डैड मतलब कि हमारे डैड के साथ उनकी वाइफ बात कर रही होती है और डैड बोल रहे होते हैं चलो स्टोर पर चलते हैं और कुछ चीजें खरीद लेते हैं और म्यू फैमिली को भेज देते हैं और सगाई की बात आगे बढ़ाते हैं। और तभी हमारे डैड की वाइफ बोलती है उस लड़की को और उसके परिवार को अपने घर पे खाने पे बुलाते हैं ताकि हम लिंग और उसके बीच के रिश्ते को आगे बढ़ा सके। गाइस कोई गलत मीनिंग मत निकालो क्योंकि मैंने डैड की वाइफ कह रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम नहीं है ना ही किसी की मॉम है, ये हमारे डैड की 5th वाइफ है, तो गाइस मैंने वाइफ ही बोलूंगा ना कि मॉम। तभी सीन म्यू की तरफ वापस आता है और म्यू कहती है जीवन और मृत्यु के समय हम अनजाने में ये खुद को बचाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और हम तब जान लेंगे कि हमारा लिंगले अपाहिज है या नहीं। हम चलो एक बार फिर से दोहराएंगे वो सब चीजें, हम लिंगले को फिर से पानी में गिरेंगे और देखेंगे कि इस बार वो खुद को बचा पाता है या नहीं। अरे गाइस ये क्या हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट तो खुद हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए तुली हुई है ये जानने के लिए कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अपाहिज है या नहीं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के डैड अपने सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, आपने उसे बचाया, उसके अधीन झाउसी जो उसके लिए काम करता है इसे 6 महीने पहले से ही आपकी तलाश कर रहा है।
और तो और कुछ दिन पहले वह किंगचाई में हमारे पुराने वाले घर में भी आया था। मुझे वह मिला भी था जिससे आपने बचाया था, और वह लिंगले ही था। तभी दूसरी तरफ हमारी म्यूटेंट की मॉम बोलती है म्यूटेंट की डैड से कि तो ये बात सच है कि लिंगले गूंगा नहीं है, लेकिन वह सच में अपाइज है। और तभी दूसरी तरफ हमारी म्यूटेंट की मॉम के कंधे पे हमारे म्यूटेंट के डैड हाथ रखते हैं और कहते हैं, जब तक कि वह अपाइज है मैं उसे शादी करने के बारे में बहुत ही सहज महसूस करता हूँ। और उसके डैड आगे बोलते हैं, लिंगले ही अपाइज है, वो इस शादी को मना नहीं कर सकता और ये एक प्रसिद्ध बात है, ये अपने लिए अच्छा है। और तभी म्यूटेंट के डैड आगे बोलते हैं, हम आपसी लाभ प्राप्त करने के बाद मतलब अपना फायदा लेने के बाद हम म्यूटेंट का रिश्ता उसके साथ तोड़ भी सकते हैं। और ये सुनकर तो म्यूटेंट के होश उड़ जाते हैं। और उसके डैड आगे बता रहे होते हैं, हमारी लड़की अभी बहुत छोटी है और उसकी दोबारा शादी करवाने के लिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। सो गाइस, हमें पता चलता है कि ये म्यू फैमिली भी हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा देना चाहती है और हमारे मेन कैरेक्टर को उसके भाई भी मानना चाहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर अब क्या करने वाला है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।